स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइड पर। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक आइस जूस। तो इस फाइनली हम निकालते हैं अपने फ्रीजर से बर्फ को और यहाँ पर हम फाइनली फ्रीजर से हमने बर्फ निकाल लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे हम आइस जूस बनाएंगे। तो गाइस फाइनली चलते हैं आइस जूस बनाने के लिए। तो गाइस हमें फाइनली इस चीज की जरूरत पड़ने वाली, यहाँ पर एक कटोरी लेनी है हमको और यहाँ पर थोड़ा ग्लास में शुगर ले लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा बोतल में पानी, ठंडा पानी ले लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आइस तो है ही, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ जरूरत पड़ने वाली है कपड़े की, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ कपड़ा भी है। तो गाइस फाइनली अब देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमें यहाँ पर पत्थर के ऊपर कपड़े को डालना है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे आपको डालना है, अच्छे से डाल लेना है और इधर उधर थोड़ा थोड़ा लटका लेना है नीचे। उसके बाद हमें आइस रखनी है इसके ऊपर और बर्तन को साइड में हटा देना है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर इधर से कपड़ा लेना है, उसको बंद कर देना है, अच्छे तरीके से बंद करेंगे साइड वाइड से जैसे आइस ना निकले। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ दूसरा पत्थर लेना है, उससे छोटे छोटे पीसेस में आइस को तोड़ लेना है, यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पर फाइनली हमने सारी आइस को यहाँ पर ऐसे तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेस में, आप देख सकते हैं। और काफी हमें इसको इकट्ठा कर लेना है उसके बाद, और हमें यहाँ पर अपनी कटोरी लेनी है उसमें रख लेना है उसको। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमने सारी आइस इसमें तोड़ तोड़ के रख लिया, आप देख सकते हैं पूरी कटोरी में। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने शुगर ली थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो यहाँ पर मैं इसका ढक्कन खोल लेता हूँ, उसके बाद इसमें पानी भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालना है जिसमें शुगर घुल जाए। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए हमें इसको रख देना है, आइस को बाद में तोड़ना है, पहले इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, इसमें जो शुगर है वो थोड़ी सी घुल जाए। तो गाइस यहाँ स्पून ले लिया हमने और इस स्पून से इसमें शुगर को थोड़ा सा घोल लेते हैं उसके बाद देते हैं। तो गाइस फाइनली इसमें शुगर घुल चुकी है ग्लास में। ठीक है, और अभी इसमें हमारी जो आइस है उसको इसमें डाल लेते हैं। तो गाइस इसको फाइनली अपने हिसाब से डालना है कितनी आपको वो डालनी है। तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी सी डाल रहा हूँ इसमें ग्लास में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी और डाल लेते हैं, अभी थोड़ा सा कम है और भी डालनी है, अभी तो काफी आइस है हमारे पास, अभी इतनी और डाल दे रहा हूँ मैं इसमें। काफी चील्ड हो गया गाइस और आइस अभी इतनी काफी बची हुई है। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत और डाल लेते हैं, उसके बाद हमारा उसके बन के रेडी हो जाएगा जो हमारा जूस है। उसमें अगर आप चाहे तो कलर वगैरह भी डाल सकते हैं, जो कलर वगैरह आते हैं वो काफी अच्छा लगता है उनसे। ठीक है, मैंने खुद के लिए बनाया था, मैंने सोचा कि मेरा वीडियो बना दी जाए, तो गाइस मैंने वीडियो भी बना दी साथ में। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पर आइस जूस बन के तैयार हो चुका है और अब हम इसको पीने के बारी है, तो गाइस पी के देखते हैं। ठीक है, गाइस काफी मीठा लग रहा है, अपने हिसाब से चीनी डाल लेना। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से डाल दी है और जो आइस है वो उसको भी अपने हिसाब से डाल लेना है कि कितना है उसमें आइस वगैरह डालनी है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका जूस बन जाएगा और काफी मस्त लग रहा है पीने में भी। आप चाहें तो कलर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कलर नहीं डाला है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।